हाय डियर, जय हिंद। नेट स्पेशल में आपका स्वागत है। नेट स्पेशल में आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्केल। तो हम लोग आज स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्केल इन जनरल हम कह सकते हैं ये एक तरह का एक्सोस्केलेटन है। तो स्केल इज द एक्सोस्केलेटन, स्केल एक एक्सोस्केलेटन है। हम ये चर्चा करेंगे स्केल किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स ये एक तरह का ग्रुप है। इसमें जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और सक्टोरियल एक्शन का होता है। इसमें पेट्रामाइजॉन को रखा गया है। तो इसमें इसमें स्केल्स नहीं होते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स में डिवाइड ऑफ स्केल होता है, कहने का मतलब स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरी ग्रुप की हम बात करते हैं फिश, मछली की बात करते हैं। मछली दो तरह की होती है ना, एक होता है कार्टिलेजिनस फिश और दूसरा होता है बोनी फिश। तो इसमें फिश में स्केल्स पाए जाते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करें, जिसके बॉडी में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेजिनस फिश में प्लैक्वाइड नाम का स्केल पाया जाता है। और प्लैक्वाइड स्केल पॉइंटेड होता है, कहने का मतलब यह नोकीला स्केल होता है। जितने भी कार्टिलेजिनस फिश है उसमें नुकीले स्केल्स पाए जाते हैं, पॉइंटेड स्केल, जिसको आप प्लैक्वाइड स्केल कहते हैं। तो प्लैक्वाइड स्केल की ओरिजिन की अगर हम बात करें, ये नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लैक्वाइड स्केल की ओरिजिन क्या होती है। तो इसकी ओरिजिन इपिडर्मल होती है, या हम कह सकते हैं इसकी ओरिजिन इक्टोडर्मल होती है। दूसरा बोनी फिश की बात करें तो बोनी फिश में जो स्केल होता है वो साइक्लोइड स्केल कहलाएगा या सीटिनोइड स्केल कहलाएगा। तो साइक्लोइड या सीटिनोइड स्केल की जो ओरिजिन होती है वह मीजोडर्मल होती है। ये एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया ये टेट्रापोडा का सबसे छोटा क्लास है। तो एम्फीबिया में किसी भी तरह का कोई स्केल नहीं पाया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई स्केल्स नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृप, मतलब जिसमें स्नेक को रखा गया है, ना क्रोकोडाइल को रखा गया है, तो एलिगेटर को रखा गया है, तो उसमें हम बात करते हैं तो उसमें स्केल्स पाया जाता है। तो आपने स्नेक देखा होगा, स्नेक के बॉडी पर छोटे छोटे धारी होते हैं जिसको हम स्केल कहते हैं। अच्छा, स्केल के अलावा रेप्टाइल्स में स्कट्स भी पाया जाता है। तो स्कट्स एंड स्केल दोनों पाए जाते हैं रेप्टाइल्स में। तो आगे हम बात करते हैं, रेप्टाइल्स के बाद आता है बर्ड्स। तो पांचवा मेंबर्स है बर्ड्स, जिसको आप एप्स भी कहते हैं। बर्ड्स में भी स्केल पाए जाते हैं। बर्ड्स में स्केल कहां होते हैं? तो बर्ड्स में लेग के बेस पर स्केल पाए जाते हैं। तो लेग के बेस पर 2-3-4-5 स्केल आपको दिखाई देंगे, बाकी पूरे बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ लेग, प्रेजेंट ऑन बेस ऑफ लेग, लेग के बेस पर स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप होता है मैमल्स। तो हम मैमल्स की बात कर लेते हैं। तो मैमल्स के बॉडी पर स्केल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो मैमल्स में स्केल अब्सेंट होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मैमल्स में स्केल नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसमें स्केल बिल्कुल अब्सेंट होते हैं? एम्फीबियंस और मैमल्स में। तो आप याद रखेंगे कहने का मतलब एम्फीबियंस है ना, मां मतलब एम्फीबियंस और मैमल्स में स्केल नहीं पाया जाता है, बाकी सब में स्केल्स पाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेट के पॉइंट व्यू से इसी तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से के माध्यम से दिए जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।